हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये वीडियो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है हमारा डक्टाइल मटेरियल जो माइल्ड स्टील है उसके बारे में है। और ये 11th 12th क्लास में कई बार पूछा जाता है पेपर में, और ये बीटेक में भी कई बार कई सेमेस्टरों में आता है। मैकेनिक्स में आता है और स्ट्रक्चर में पूछा जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और बहुत सिंपल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरफ हमें एट एक्स एक्सिस की बात करें तो स्ट्रेन ड्रॉ करना है, और वाई एक्सिस की बात करें तो स्ट्रेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जो हमारा ग्राफ है कुछ इस तरीके से होगा। पॉइंट्स ले रखे हैं ए, फिर बी, फिर सी, फिर नीचे होगा थोड़ा डी, फिर ई होगा, फिर थोड़ा सा नीचे झुकाव होगा वो होगा एफ, ठीक है। इन पॉइंट्स के नाम हैं, ए है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। बी है हमारा इलास्टिक लिमिट, सी है अपर यील्ड पॉइंट, डी है लोअर यील्डिंग पॉइंट, और ई है अल्टीमेट पॉइंट, एंड एफ है ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। तो अब इस ग्राफ की बात करें तो ये है क्या, तो इसकी मदद से हमें पता चल पाएगा कि एक माइल्ड स्टील जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और वो कौन से पॉइंट पे जाके जो है फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसकी मदद से हमें पता चलेगा, ठीक है। तो इस ग्राफ की हेल्प से तो आपको तो स्ट्रेस पता ही होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्टील की रॉड ले ली या माइल्ड स्टील की रॉड ले ली और उस पर हमने दोनों तरफ से फोर्स लगाया, तो जो फोर्स लगाया गया उसकी शेप को, उस स्टील की शेप को चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाई गई वही हमारी स्ट्रेस होती है। और स्ट्रेन क्या होता है, जो फोर्स लगाने के बाद उस रॉड में जो चेंज आया शेप का और साइज का वही हमारा स्ट्रेन होता है। और जो स्ट्रेन होता है वो हमारा डिफाइंड होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द इनिशियल लेंथ की हेल्प से आप स्ट्रेन निकाल सकते हैं। अब बात करें की लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो अब बात करते हैं माइल्ड स्टील की, जिसका ये ग्राफ है। तो मान लीजिए हमारे पास जो माइल्ड स्टील है, ठीक है, वो टेंशन में है, ठीक है, और टेंशन में है पॉइंट ए पे, ठीक है। तो ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन यहाँ पे ए पे हमारा, यहाँ से यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारा दोनों ही इंक्रीज कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेस जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और इसे हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोल सकते हैं। और क्या है कि हमारा यहाँ पे ए पे जो हमारा माइल्ड स्टील है वो हमारा क्या है, टेंशन में है, ठीक है। ठीक है, देख सकते हैं आप ग्राफ में कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है लगातार पॉइंट ए तक, और जो हमारा जो माइल्ड स्टील है वो टेंशन में है, ठीक है। पॉइंट बी जो पॉइंट है वो इलास्टिक पॉइंट है, वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा जो मटेरियल है, ठीक है, इलास्टिक पॉइंट है जहाँ पे हमारा मटेरियल जो है उस पर हमने एक लोड लगा रखा है। तो जो लोड है अगर उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बात करी ना कि टेंशन में है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो हमने जो टेंशन से उसको रिमूव कर दिया या जो लोड लगा रखा है हमने उसको रिमूव कर दिया, तो क्या होगा कि जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा माइल्ड स्टील है, वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है, ए से बी, बी पॉइंट पे जो हमारा इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ए का समझ में आ गया होगा। अब बात करें सी की, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है ये यहाँ पे, ठीक है, ये आप अगर बाय वर्ड्स ना समझ में आए तो आप इसमें से पढ़ भी सकते हैं
कि यहाँ पे जो मैंने सिंपली आपको बताया कि बी वो पॉइंट है जहाँ पे अगर हम लोड हटा देते हैं तो जो मटेरियल है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में पहुँच जाएगा। और अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो जो पॉइंट सी है उसको नाम क्या दिया था, अपर यील्डिंग पॉइंट। ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे हम लोड हटाएंगे मटेरियल का तो क्या होगा, वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा और ना ही वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में जाएगा, इसीलिए इस पॉइंट को नाम दिया गया है अपर यील्डिंग पॉइंट। अब बात करें पॉइंट डी की, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे, ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे मटेरियल का लोड हम डिक्रीज कर रहे हैं, मटेरियल का जो लोड है वो डिक्रीज हो रहा है और जो हमारा स्ट्रेन है वो बढ़ रहा है। तो उस पॉइंट को हमने क्या बोला, तो उस पॉइंट को बोला हमने कि पॉइंट डी, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो लोड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा और स्ट्रेन यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, डी टू ई क्या होगा कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस जो है वो अगेन बढ़ने लग जाएगा। और स्ट्रेस जब हमारा अगेन बढ़ने लग जाएगा तो वो अपना क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जब मैंने क्या बोला था पॉइंट सी टू डी क्या होगा, जो मैंने बताया कि बियॉन्ड विच लोड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन स्ट्रेन अप टू पॉइंट डी, तो मैंने बताया था कि लोड हमारा सी टू डू क्या होगा, डिक्रीज होगा और क्या होगा, स्ट्रेन जो होगा हमारा इंक्रीज करेगा। तो अब डी टू ई की बात करें तो डी टू ई जो है हमारा ये है डी टू ई, तो अब इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो लोअर यील्डिंग पॉइंट है वो क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रेस है जो मैंने बताया कि वो अगेन इंक्रीज करने लग जाएगा और वो सबसे अपनी हाई पीक पे और हाई वैल्यू पे पहुंच जाएगा। और जब वो अपनी हाई वैल्यू पे पहुंच जाएगा, लास्ट पीक पे पहुंच जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है, उसको हम अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा फिर स्ट्रेस इंक्रीज करने लग जाएगा और अपने अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि स्ट्रेस जो है हमारा फिर इसके बाद डिक्रीज करेगा और हमारा स्ट्रेन क्या है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा स्ट्रेस डिक्रीज होगा और हमारा स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से एक लास्ट पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा जो माइल्ड स्टील है उसके बाद वो खींच नहीं सकता, उससे ज़्यादा वो खींच नहीं पाएगा और लास्ट में जाके वो ब्रेक कर जाएगा और वो फेलियर हो जाएगा उस मेटल का। तो उस पॉइंट का नाम दिया गया है एफ, ठीक है, और इसको हम फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये जो है वो हमारा लास्ट पॉइंट होगा ग्राफ का और ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा मेटल जो है, जो माइल्ड स्टील है, वो हमारा ब्रोक कर जाएगा या वो फेल कर जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस तरीके से, ये यहाँ पे मैंने दे भी रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये यहाँ पे इसकी थ्योरी है ये नीचे, तो आपको मैं समझा चुका हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। हो सकता है वीडियो में क्या है कि एकदम से फ़ोन की लाइट बंद हो गई थी, तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो एक दो सेकेंड्स के लिए, लेकिन मैंने अपना बेस्ट करा है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।